जिला गौतम बुद्ध नगर नोएडा सरिया सीमेंट व्यापारी विकी भाटी को दिलशाद व मिश्रा ने पेमेंट देने के बहाने 164 सेक्टर 83 में कॉल करके बुलाया, जहां पहले से ही इन दोनों दबंग व्यक्तियों ने दो गुंडे राजीव नगर और कैलाश शर्मा को भी बुला रखा था। वहीं मौके पर पहुंचे कांस्टेबल द्वारा विकी भाटी को चौकी पर ले जाया जाता है, जिस पर चौकी इंचार्ज व उनकी पुलिस टीम द्वारा विक्की भाटी से अभद्र व्यवहार कर कई घंटों तक बैठाए रखने के बाद दोनों पार्टियों के विरुद्ध धारा 151 में चालान कर एक पार्टी को वही बेल दे दी गई तथा विक्की भाटी को जेल भेज दिया गया, जिस पर पीड़ित विक्की भाटी ने गंभीर आरोप लगाते हुए आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। भाई, मेरा नाम विक्की भाटी है। मैं सरिया सीमेंट का काम करता हूँ। मैं दिलसाद और सुशील मिश्रा के साथ, जिनकी HDC इंडिया कंपनी है, उनके साथ उनका मेरे पे फ़ोन आया कि भैया हमारी पेमेंट मिल रही है, आप भी अपनी पेमेंट लेने हमारे पास आ जाओ। मैं उनके पास गया। A 164 सेक्टर 83 में उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जहाँ पे वो काम कर रहे थे। विनायकन फैशन हुड किशन कुमार झा जी की वो कंपनी है। तो उन्होंने बुलाया हमें पेमेंट के लिए। वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो उन्होंने वहाँ पे दो गुंडे बुला रखे थे, राजीव नागर और कैलाश शर्मा, जो हमारी जानकारी में कुछ था नहीं। हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे सिविल में एक एज कॉन्स्टेबल आते हैं, पवन कुमार जी, और वो हमसे बोलते हैं कि आप सीधा चौकी पे आइए, आपको चौकी पे बुलाया है। वो हमें अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। हमें एक आध घंटा यूं ही घुमाया जाता है, हमें नहीं पता लगता है क्या चल रहा है। जैसे ही हम चौकी पे पहुंचते हैं, वहाँ पे हमें चौकी इंचार्ज साहब कोमल कुंतल जी और उनका एक कांस्टेबल राहुल नागर जी मिलते हैं। हम वहाँ पे जाते हैं, वो हमारे साथ मारपीट बदतमीजी शुरू कर देते हैं। 4 घंटे के लिए हमें किडनैप कर लिया जाता है, हमें फ़ोन नहीं दिया जाता है। हम बार बार पूछते हैं हुआ क्या, तो राजीव नागर जी बोलता है तुम्हें पता लगेगा कि पैसा मांगा कैसे जाता है, जो कि हमारा पैसा सारा पक्के में है। हमारे वहाँ हमें दो उठाया जाता है। 4 घंटे हमारे घर वालों को हमारी खबर नहीं मिलती है। घर वाले ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर भी कुछ हमें वो नहीं होता है। फिर चौकी इंचार्ज सामने और उनके सहयोगियों ने हमें और दूसरी पार्टी को, दोनों को 151 के मुकदमे में बंद कर दिया गया, जिनको हाथों हाथ दो जो दूसरे पार्टी से थे उन्हें हाथों हाथ बेल दे दी गई और हमें 24 घंटे के लिए जेल भेज दिया गया। और हमसे पैसे की डिमांड करी जाती है कि अब तुम्हें पता लगेगा कि होता क्या है। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि सर हमारी मिस्टेक बताइए, पर हम उसे का कोई जवाब नहीं आता है। हमने अपनी ये प्रार्थना उच्च अधिकारियों के पास दी गई है, हमें कमिश्नरी पे पूरा भरोसा है। अब पर अगर हमें कमिश्नरी से कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता है तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।